यार ये है वो बैग जो मैंने ऑर्डर किया था, और इसके अंदर भी चैन ऐसा सामान है, तो वो भी अभी दिखाता हूँ। और मैं तो पहले अभी दिल इतना कर रहा है कि पहले जहाँ छत पे जाके ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत होंगे, फिट फाट। तो चलें भाई स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो हाँ जी यार, आज का कुछ सीन ये कि कल रात को जो थी वो थी एहसन के घर पे बारबेक्यू। तो वो करने के बाद एहसन भाई कह रहे थे और यार आप लोगों को जो है नाश्ता करवा कर लाते। अब नाश्ता करवाने से पहले एहसन भाई हम लोगों को ले आए थे भाई व्यू, देख सकते हैं ईमार के भी उल्टी साइड। ये हमारे सारे जो है बडीज़ हैं जो हम रात को इवेंट में थे, वो वाला व्लॉग भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अच्छा जी, तो अभी ये है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे आए थे, लेकिन यहाँ का मंदिर ही ऐसा कोई खूबसूरत हो रहा था ना, कोई और एकदम बेहतरीन किस्म का। तो हमने कहा भाईजान रिकॉर्ड ये कर लेते हैं, बाकी ये अब चलते हैं, अगर नाश्ता नसीब हुआ तो करते हैं और फिर घर। तो हाँ जी भाई, पहले तो जो है जुमा अदा कर कर आएंगे, और लेकिन उसके बाद जो जुमा अदा कर कर जब आएंगे तो तीन चार इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, वो भी इस ब्लॉग में दिखा दूंगा इंशाल्लाह। और एक जगह की ज्वाइनिंग भी है, वहाँ पर भी ज्वाइन होंगे और वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पर क्या सीन है क्या नहीं। तो ये है कि अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना भाई, ठीक हो गया जी। और एक जगह शेयर तो लाजमी कर ही देना है इस नाचीज़ को। अभी दूसरी बात यह है कि जुमे का वक्त हो रहा है, फिर तो जुमा पढ़ कर आते हैं, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलें फिर जुमा पढ़ने। जुमा भी जो है वो पढ़कर आ गई हूँ, तो अभी ऊपर गया ही था, गर्मी एक तो बाहर हो रही है, हब्स बहुत हो रहा है, धूप ज़्यादा कड़क नहीं है लेकिन हब्स बहुत है। तो अभी ये घर वालों ने दे दिए चंद काम वाम कर कर आते हैं। और भाई हमारा तो ये एक जो है ना फिनोमिना कह लो कि जब भी कोई काम वो मुझे देती है ना, तो उनमें से कहता हूँ मेरे चार्जेस आप अलग ही रखेगा, वो आपसी में जूस वूस पीता हुआ होगा, ये तो मेरा हर पानी का ही। ठीक है जी, तो ये है कि गर्मी जितनी हो रही है और जो है आगे क्या होने वाला है वो तो मैंने आज बताना है, ये मालूम मेरे जवाब में वही आ रहा है। तो ये है कि नीचे वाला चल ही जाएगा। तो दूसरी बात ये कि अभी फटाफट जाते हैं यार, काम कर कर आते हैं, और पसीने जो है ना वो तो रुक ही नहीं रहे, तो फटाफट जाके काम कर कर आते हैं, फिर ठंडी हो जाए। मैंने जो जो सामान कहा था वो ले लें, लेकिन गर्मी तो कोई ऐसी है ना क्या ही बताऊँ, अल्ट्रा प्रो मैथी दाना पता नहीं क्या क्या बोला था, सौंफ सौंप वो लेते हैं फिर। तो हाँ जी यार, अगर आप लोगों ने बारबेक्यू वाला व्लॉग नहीं देखा तो भाई पहले तो जाके वो व्लॉग देख लें, यकीन मानो उस पर इतनी कोई मेहनत लगी थी ना व्लॉग बनाने में भी और बारबेक्यू बनाने में भी भाई, तो वो भी जाके देखें, मज़ा आया। और उसमें दोस्त की बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी, देख लिया तो लव यू हो गया। और पहले तो इस व्लॉग को भी थम्स अप कर दो, जाके वो भी देख लेना, थम्स अप के साथ साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो भी कर लेना। दूसरी बात, हाँ जी यार, तकरीबन एक डेढ़ महीना हो गया आपको भाई जिम बिल्कुल भी नहीं गया, ठीक है जी। और पम्प पम्प जो है वो दोबारा वापस लाना है, दोबारा एक फॉर्म में आना है भाई जैसे पहले था। मैं सभी कह रहे हैं कि पहले से कमज़ोर होगा, तो कोई नहीं यार, थोड़ी मेहनत करके थोड़ा कमज़ोर होंगे, अब दोबारा फिर एकदम उठेंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये है कि मैंने जिम का सामान वामान भी ऑर्डर किया हुआ था, वो सामान भी जो है अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, और आज ही जो है जिम भी स्टार्ट करते हैं फिर। और दूसरी बात, आज जिम का डिसीजन लिया है भाई, तो मौसम भी कोई इतना लवली हो गया ना, यकीन माने मौसम भी कह रहा है भाई आप जिम जा रहे हैं, फिर खुशी में बादल, इतने कोई स्नैक्सी सा मौसम हुआ है ना अभी। पहले तो आप लोगों को मैंने चंद सामान ऑर्डर किया था जिम के हवाले से, तो वो है, मैं वो पहले दिखाता हूँ फिर जिम चलते हैं आकर। यार ये है वो बैग जो मैंने ऑर्डर किया था, और इसके अंदर भी चैन ऐसा सामान है, तो वो भी अभी दिखाता हूँ। और मैं तो पहले अभी दिल इतना कर रहा है कि पहले जहाँ छत पे जाके ना मौसम मैं भी देखता हूँ और आप लोगों को भी दिखाता हूँ, पहले ये दिखा देते आप लोगों के इसमें क्या क्या है, फिर जो है ना जाके एक बार आप लोगों को भी मौसम दिखा देना। तो नीचे ही चलेंगे फिर डायरेक्ट ही जिम चलते हैं, ठीक है जी। दोस्त को भी मैसेज किया था, हो सकता है कि वेट कर रहा हो, तो चलते हैं। तो हाँ जी भाई, ये है वो बैग जिसके अंदर है मेरा सारा जिम का सामान, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक करके जो मैंने ऑर्डर्स किए हुए थे। तो हाँ जी भाई, ये तो आ जाते हैं, पहले तो ग्लव्स, ठीक है जी, पता ही है कि किस लिए यूज़ होते हैं। और ये मैंने कोई तीन चार मुख्तलिफ जो है ना स्वेटिंग बैंड के माथे पे पसीना जो नाक से टपक रहा होता है ना, कभी कभी वर्कआउट करते हैं मुंह में भी चले जाता है, तो ये उस लिए जो है ना ये मंगवाए थे मैंने। ये हो गए दो चीज़ें भाई, ये है प्रोफेशनल वेट लिफ्टिंग का बेल्ट, ठीक है जी, ये खाली जो है ना आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो कवर करता है, ठीक है। एक तो हो गया ये, और एक तो हो गया ये दोनों इम्पोर्टेड बेल्ट थे जो मैंने मजाक मजाक में शौक शौक में मंगवा तो लिए थे, लेकिन इनका जो खर्चा है ना वो उठाना पड़ गया था भाई मेरे पापा को, क्योंकि फ्रेंड है पापा के, तो मैंने उनको कहा कि अंकल मुझे ये बेल्ट चाहिए, वो दोनों ही लिया, वो कह रहे हैं कि अभी तक के सबसे हैवी क्वालिटी के सबसे एक्सपेंसिव यही दो पड़े हैं। मैंने कहा दोनों ही दे दो, पैसे तो पापा को ही देना है। और बस यहाँ पर, और दूसरी बात यह है कि ये है वो जिम बैग कि जिसके अंदर जो है ना सामान ये सारा आ जाता है। तो अभी ये काफ़ी टाइम से, ये तो इतना गंदा भी हो, काफ़ी टाइम से जो है ना वर्कआउट नहीं कर रहा था, ये है कि अब दोबारा फॉर्म में आएंगे
तो अभी दोबारा से जिम बैग में डालता हूँ, चलते हैं फिर जिम। हाँ जी यार, बैंड भी जो है पहन लिया है। ये जो है टॉवल के मेटेलिक का होता है कि ना, अगर पसीना आता है तो यही जज्ब कर लेता है और मुंह ऊपर नहीं आता। और ये है कि बैग वैग भी जो है पहन लिया है। तो अभी मैंने कहा मम्मा से इजाज़त लेके जो है चलते हैं जिम, तो चलते हैं फिर। जी भाई, जिम से फ्री जो है वो होकर आ गए थे। और सबसे बड़ी बात, ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ये कोई डिवाइड होके, इतना कोई डिवाइड होके बनाया ना कि जब हम लोगों ने पहली बार भी की थी एसएन इधर यार काशान के घर, तो वो उसके बाद वाले भी चंद जो है मतलब चंद क्लिप्स उसके हैं। फिर जो हम एसएन के साथ गए थे उसके हैं। फिर एसएन के साथ जो टाइम स्पेंड किया था, मतलब ये फिर जुम्मे के आज एक है, आज हफ्ता इससे पहले था जुम्मा, और इससे जो पहले वाला जुम्मा था, ये पूरे मतलब जो है ना ये वाला ब्लॉग कोई एक हफ्ते से पेंडिंग पर ही है। और पेंडिंग पे इसलिए है क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर आया भाई छोटा सा जो है ना वो इशू आया भाई। वो है भाई, जब मैं एडिटिंग करता हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करने को पड़ती है। एडिट होता ही नहीं है ब्लॉग, एडिट होता नहीं। अगर मैं लैपटॉप से भी करता हूँ तो भाई पिक्सल्स का मसला आ जाता है। तो अभी ये है कि मेरे पास एक जो है मतलब एडिटर्स हैं, वो प्रीमियम बाय करने पड़ेंगे। ठीक है जी, मैंने उनका जो है बहुत कोशिश की कि अगर वो मुझे मिल सकते हैं मतलब किसी तरीके से तो मैं ले लूँ, लेकिन नहीं भाई, वो प्रीमियम है। वो मुझे डॉलर्स चंद डॉलर्स देंगे, जैसे 5 या 10 डॉलर्स के अंदर अंदर ही ये पे के मुझे वो बाय करने पड़ेंगे। तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये पड़ेंगे ये तकरीबन। तो ये है भाईजान, ये भी बाय करने हैं कि तभी मेरी एडिटिंग जो है ना मतलब। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मोबाइल ही मैं चेंज करूँ, तो मोबाइल अगर चेंज करने की तरफ जाता हूँ तो भी भाई समझ आ रही है। तो अभी ये सीन है कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह जो है अच्छा वसीला बना दे। तो भी ये यार इतना कुछ टाइम लगा ना इस ब्लॉग को बनने में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा। और ये है कि दुआ भी करिएगा यार, तकरीबन कोई 9वां महीना है, 10वां महीना लग गया है यार, और अभी तक आप लोगों के सामने कंडीशन है सारी चैनल ही। तो भाई पता नहीं क्यों मैं ना डीमोटिवेट हो रहा हूँ यार, आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हो मुझे। 10वां महीना कहना आसान बात है, 10 महीने हो जाना कहना ही आसान है। 10वां महीना ये लगा हुआ है, मेरा पहला ब्लॉग जाके देखना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम हो गया। तो भी कुछ ये सीन है यार, बहुत सी डीमोटिवेशन आती है लेकिन क्या करें, बस फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है तो ये है लगे हुए। लेकिन अभी तक जो है इतना ही ख़ास रिव्यूज़ अच्छे आ नहीं रहे चैनल से, तो मैं यही बार बार डीमोटिवेट हुआ हुआ था। मैं कहती बेटा लगे तो रहो, बस बनाते तो रहो, हफ्ते रोज़ाना नहीं कम से कम 2 दिन बाद से 3 दिन बाद से। लेकिन ये है कि आप लोगों की, तो बस फाइनल में यही कहना चाहूँगा, दुआएँ चाहिए यार कि चैनल थोड़ा पुश हो फ्रंट पर तो आया यार। क्योंकि जब स्टार्ट किया तब थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस था, लेकिन वो भी नहीं आया क्योंकि जितने भी देखने वाले हैं ना वो मैक्सिमम 10, मैं कहता हूँ 1 मिनट भी सही से नहीं देखते। अगर आप एक मतलब तकरीबन 3 मिनट भी कंटिन्यूसली शुरू का भी देख लेना, तो YouTube जो है ना आपका जो क्रिएटर है उसकी एक स्टेप आगे करता है वीडियो, लेकिन कोई वीडियोज़ देखते ही नहीं है। 8-8 मिनट की वीडियोज़ हैं, उनमें से कोई एक मिनट भी नहीं पूरी देख रहा। चलें कोई नहीं, डीमोटिवेशन बहुत होती है यार, बहुत अकेले में बैठ के जो है बहुत सोच रहा होता है इसके बारे में। लेकिन ये है फैमिली सपोर्ट कर रही है, और अभी तो फिलहाल ये मोबाइल का भी इतना मेरे सर पे जो एक टेंशन खड़ी हुई भी है, लेना था लेकिन बस किसी वजह से नहीं भी ले सका। अभी ये कि आप लोगों की प्यार मोहब्बत चाहिए, दुआ करें कि अल्लाह पाक अच्छा वसीला भी बना दें और जो है यहाँ से भी कामयाबियाँ अता फरमाएँ यार, बस यही कहना चाहता हूँ। क्योंकि और ये ब्लॉग 2 हफ्ते से पेंडिंग पर था, मैंने कहा यार आज किस्सा मुकाओ इसका, इसको जैसे वैसे करके एडिट करो, एडिट करने में भी तो टाइम लगेगा और फिर एरर आ गया तो फिर लटक जाऊंगा। मैंने कहा चलो आप लोगों से यहीं पर ही जा देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, दुआ जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।